मैं अपने रेडमी के 20 प्रो में मीवाई की 14% मीवाई 14.0.1.0 की पोटोटोम को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जो ये वर्सन वन वाला बिल्ड है जो एंड्रॉइड 12 पे बेस्ट है और इसमें आप लोगों को फरवरी की सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है और इस रोम की सारी क्रेडिट इसके डेवलपर को जाता है। गाइस अगर आप लोग रेडमी के 20 प्रो के यूजर है तो आज की वीडियो में आप लोगों को मीवाई 14 की फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। मीवाई 14 में अपने रेडमी के 20 प्रो में यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को छोटी सी जानकारी ये दे दूँ कि रेडमी के 20 प्रो में MIUI की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट देखने को नहीं मिलता। हमारे फोन में जो MIUI 12.5 की लास्ट अपडेट है वही अपडेट रहेगा, उसके बाद आप लोगों को ऑफिशियल अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। पर फिर भी आप लोग अपने फोन में MIUI के रोम को यूज़ करना चाहते हैं, लेटेस्ट MIUI रोम को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को इस रोम को अपने फोन में कस्टम रिकवरी से फ्लैश करना होगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ, इस रोम में मैं क्या फीचर्स देखने को मिलता है उसके बारे में बताऊँगा, मुझे क्या बग्स देखने को मिला उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जैसे गाइस हमें कोई ऑफिशियल अपडेट देखने को नहीं मिलेगा और आप लोग MIUI रोम को अपने फोन में यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप लोग इस रोम को अपने फोन में यूज़ करते हैं तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कर सकते हैं, क्या फीचर्स आपको देखने को मिला है, क्या बग्स देखने को मिला है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है इस मॉडल रोम से या पोर्टेड रोम से, सब कुछ आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस रोम में देखने को मिल जाए। क्योंकि ऑफिशियल अपडेट में देखने को नहीं मिलेगा तो अनऑफिशियल रोम को अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, MIUI के रोम को यूज़ करना चाहते हैं तो सब कुछ आप लोग कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अब दोस्तों जैसा कि मैं इस रोम को अपने फोन में तकरीबन 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और 3 दिन यूज़ करने के बाद मुझे जो भी फीचर्स देखने को मिला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और इसकी जो फुल रिव्यू है आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगा। मैं आज की वीडियो में फीचर्स और बक्स के बारे में बता दूँ, उसके बाद जो भी इसका रिव्यू रहेगा बैटरी चार्जिंग वगैरह यानी फुल रिव्यू की जो भी वीडियो दोस्तों आप लोगों को 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो को अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। और आप लोगों को अगर ये रोम अच्छा लगा है, पसंद आया, तो आप लोग भी अपने फ़ोन में इस रोम को यूज़ कर पाएंगे। तो जितने दिन से दोस्तों मैं इस रोम को यूज़ कर रहा हूँ मुझे इसमें 2 बग्स देखने को मिले हैं। पहला बग्स है कि अगर आप लोग अपने फ़ोन को ऑफ करके चार्ज करते हैं तो आपको एक ऑफलाइन बग देखने को मिलता है। दोस्तों आपका फ़ोन जब स्विच ऑफ रहता है, अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे तो आपका फ़ोन यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ऑफलाइन चार्जिंग की बग आपको देखने को मिलता है। दूसरा बग मुझे देखने को मिलता है दोस्तों, मैंने यहाँ पर नोटिस किया है कि जो फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट को सेट कर दिए हम लोग, लेकिन जब आप लोग अपना फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हैं तो वो तो अनलॉक हो जाता है, पर जो पावर बटन होता है उसको पावर बटन को प्रेस करके आप लोग जाते हैं लॉक स्क्रीन पर जाना, लॉक स्क्रीन पर रहकर आप लोग फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे केस में यहाँ पर काम नहीं कर रहा। अगर आप लोग इस रोम को यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि फिंगरप्रिंट वाला इशू आपके साथ में है या नहीं। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग किसी एप्लीकेशन को लॉक करते हैं और उस एप्लीकेशन को आप लोग फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना चाहते हैं, उस केस में दोस्तों मुझे यहाँ पर बग देखने को मिला, उस केस में मैं यहाँ फिंगरप्रिंट से अपने फ़ोन को अनलॉक नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने जो एप्लीकेशन है अच्छे जिस एप्लीकेशन को आप लोग ओपन करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट के मदद से, वहाँ पर कोई भी आपको आइकन देखने को नहीं मिलता है ताकि फिंगरप्रिंट से आप लोग उसे अनलॉक कर पाएँ, तो ये बग मुझे देखने को मिला है। बाकी आप लोग शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फीचर्स जो हमें इस रोम में देखने को मिला है। पर दोस्तों MIUI 14 के कुछ फीचर्स हमें इस रोम में देखने को मिले हैं और कुछ फीचर्स आपको इस रोम में मिसिंग देखने को मिलते हैं। जो MIUI 14 की रोम में फीचर देखने को मिलता है दोस्तों, वो सारे फीचर्स इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, सबको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों फीचर्स की बात कर लेते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर देखने मिलता है होम स्क्रीन पे। और दोस्तों होम स्क्रीन पे बात करते हैं तो MIUI 14 में जो सुपर आइकन के सपोर्ट वो हमें देखने को मिल जाता है। मैं अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पर, तो जो भी MIUI के सिस्टम एप्लीकेशन है आप उस पर लॉन्ग टैप करेंगे और एडिट आइकन करेंगे आप लोग यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप लोगों को सुपर आइकन के सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ पर बिग फोल्डर या फिर सुपर फोल्डर की सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप लोग कोई भी फोल्डर पर लॉन्ग टैप करते हैं, एडिट फोल्डर में जाते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग को रेगुलर, इनलार्ज और डबल एक्सेल की जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाता है। यानी MIUI 14 में जो फीचर्स है वो सारे फीचर्स हमारे इस रेडमी 20 प्रो में देखने को मिल जाता है, जिसमें मैं MIUI 14.0.1.0 की पोर्ट वाला रोम यूज़ कर रहा हूँ, ओरी वर्सन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप लोग थीम के बारे में जानना चाहते हैं कौन सी थीम यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा, मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को चेकआउट करके आप लोग इस थीम के बारे में, इस फोन के बारे में आप लोग जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पर सुपर वॉलपेपर की, ज़्यादा हम लोग अपने फ़ोन की वॉलपेपर सेक्शन में, तो सुपर वॉलपेपर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर आप इसे यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर सकते। पर आप लोग अपने APK की मदद से APK अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके इन सभी सुपर वॉलपेपर को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियली चेंज लॉग उनके सर्वर पर, उनके साइट पर मेंशन किया गया है, अगर आप लोग चेंज लॉग देखेंगे
तो यहाँ पर चेंज लोग आप लोग काफी सारे डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप लोग अभी मेंशन किया गया है कि सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट जो है वहाँ पर रिमूव कर दिया गया, पर आप लोग एपीजी कंसोल करके सुपर वॉलपेपर अपने फोन में आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों देखते आप लोग को काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है आप लोग, इवन आप लोग को गूगल फोटोज़ की अनलिमिटेड सपोर्ट मिल जाता है। तो ये चेंज लोग मैं आप लोग आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में सारे जो चेंज लोग हैं मैं डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों सुपर वॉलपेपर को मैनुअली इंस्टॉल करने के बाद अगर आप चाहते हैं तो इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मीओ फोर्डिंग जो भी सपोर्ट वॉलपेपर है 6 वॉलपेपर हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों, और ये सभी वॉलपेपर डायनेमिक वॉलपेपर है, यानी दोस्तों दिन के हिसाब से आपको दिन की तरह देखने को मिलेगा और रात के हिसाब से ये डार्क मोड में ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो आप लोग को डायनेमिक वॉलपेपर की सपोर्ट मीओ की जो ऑफिशियल वॉलपेपर है उसमें देखने को मिल जाता है। और दोस्तों हमें यहाँ पर डायनेमिक विजेट की भी सपोर्ट मिल जाता है, तो हम लोग पिंच करेंगे यहाँ पर और जाते हैं विजेट सेक्शन में तो देख सकते हैं हमें न्यू वाले जो डायनेमिक विजेट है उसकी सपोर्ट मिल जाता है। और मैं यहाँ पर अपने फ़ोन में कुछ विजेट्स भी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप लोग अपने होम स्क्रीन यहाँ पर और अच्छी तरह से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप लोग थीम सेक्शन में जाएंगे यहाँ पर, और थीम सेक्शन में दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सुपर आइकन का भी सपोर्ट मिल जाता है। आप लोग सुपर आइकन में यहाँ पर क्लिक करके अपने फ़ोन के लिए सुपर आइकन में यहाँ पर और सुपर आइकन में आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जाते हैं माई अकाउंट में जाते हैं थीम सेक्शन में दोस्तों, तो हमें यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इंपोर्ट में आने में आप लोग इंटरनेशनल जाएंगे और किसी भी एमपी जेड को चाहते हैं आप लोग इंपोर्ट करना तो यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट करके उस एमपी जेड को आप लोग अपने फोन यूज़ कर सकते हैं और उसकी सारे कस्टमाइजेशन आप लोग अपने होम स्क्रीन में यहाँ पर कर पाएंगे। तो थर्ड पार्टी थीम की भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और अगर आप लोग अपने फ़ोन में ऐप वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर गूगल डिस्कवर को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप लोग अपने होम लॉन्चर की सेटिंग में जाना, होम स्क्रीन सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आप लोग ऑप्शन मिल जाता है ऐप वर्ल्ड की, वहाँ पर लोग चाहें तो ऐप वर्ल्ड को माइनस वन स्क्रीन को रिमूव करके आप लोग यहाँ पर गूगल कर सकते हैं गूगल डिस्कवर, या नन करेंगे आप लोग तो आपके लेफ्ट साइड पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह की सपोर्ट आपके होम स्क्रीन में देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर लोकेशन कस्टमाइजेशन की, तो अगर हम लोकेशन में जाते हैं और आप लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड करेंगे डिफॉल्ट सिम अगर यूज़ करेंगे तो आप लोग यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो उसके लिए सिंपली आप लोगों को अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है और फिर चले जाना आप लोग को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लोकेशन में और चले जाना आप लोग साइड में शॉर्टकट्स में, तो आपको यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग ऐड करके जो भी फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी सेटिंग वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लोग उस फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड करके आप लोग लोकेशन में जाकर साइड पैनल में अगर आप डिफॉल्ट सिम को यूज़ कर रहे हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा और साइड पैनल को आप लोग अपने लोकेशन से यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पॉकेट मोड की, तो सेटिंग में जाते हैं हम लोग फिर जाते हैं अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन में और यहाँ पर जैसे हमें पॉकेट मोड की सपोर्ट पहले भी मिलता था हमारे रेडमी के 24 में और अभी भी देखने को मिल जाता है। तो पॉकेट मोड की सपोर्ट मिलता है जो हमारे फोन में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये पॉकेट मोड की जो फीचर है ना हमारे मी 11X में भी देखने को मिल गया है। मी 11X में हमें मी 14 की एक अपडेट मिला है और दोस्तों ये अपडेट हमें इंडिया में मिला, देख सकते हैं हमारा डिवाइस ये मी 11X है, मैं आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ। तो मी 14.2.2.0 की अपडेट इंडिया में मिला है और हम लोग भी इसकी सेटिंग में जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन में, तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर पॉकेट मोड की सपोर्ट मिल जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ इससे शेयर किया क्योंकि मैंने जब मी 11X के ऊपर वीडियो बनाया था तो मैं आप लोगों को उसमें बताना भूल गया था, इस वजह से मैंने आप लोगों को सोचा इस वीडियो में बता दूँ। और दोस्तों इसी वजह से मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग मेरी सारी वीडियोज़ को चेकआउट किया करिए, स्किप मत किया करिए, क्योंकि मैं सभी वीडियोज़ में आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो आपके सभी फ़ोन के लिए काम आता है। तो इस वजह से सारी वीडियोज़ को चेकआउट किया कीजिए, स्किप मत कीजिए। इसके अलावा दोस्तों लोकेशन पर हमें जो चार्जिंग एनिमेशन की सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाता है। तो उसके लिए सिंपल आप जाएंगे यहाँ पर, तो देख सकते हैं चार्जिंग एनिमेशन में जाएंगे तो हमें यहाँ पर ऑफ, फ्लो, ग्लो और वेब चार्जिंग एनिमेशन की सपोर्ट हमारे लोकेशन में देखने को मिल जाता है। तो होम स्क्रीन लोकेशन कस्टमाइजेशन ये देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे मैंने आपको जो बताया था ना गैलरी में जाते हैं हम लोग, तो जो फीचर्स हमें मीओ 14 के अपडेट में सभी फोन में देखने को मिलता है, हम लोग टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं इस पर लॉन्ग प्रेस करके, तो उस तरह की ये कॉपी टेक्स्ट की ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, पर आप लोग इस 3 डॉट्स पर टाइप करके रिकॉग्नाइज टेक्स्ट यहाँ पे कर सकते हैं, उसकी भी सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। हम जबकि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसा कि हमें मीओ 14 के अपडेट मिल जाता है, हम लोग यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को लॉन्ग कॉपी करेंगे यहाँ पर, तो देख सकते हैं हमें कॉपी की जो ऑप्शन मिल रहा है वो सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं हम मीओ 14 में, जबकि दोस्तों ये वाले फीचर्स को इस पोर्ट रूम में जो हम लोग रेडमी के 24 में यूज़ करें वो देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा जाते हैं हम लोग मोड सेटिंग में यहाँ पर, तो हमें रिकॉग्नाइज टेस्ट की सपोर्ट देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें साइड बाई साइड कंपेयर आपको करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। बाकी जैसे प्रोटेक्टिव वाटरमार्क की सपोर्ट बोल देते हैं वो देखने को मिल जाता है, यानी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने वाटरमार्क को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल सेंटर की बात करते हैं हमें यहाँ पर, तो ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर नहीं मिलता है। मैं यहाँ पर थीम के वजह से अपने कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर चुका हूँ, तो अगर आप लोग उस थीम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों इस थीम इस मीओ 14 को अपने फोन में इंस्टॉल करने में हमारे फोन में वोल्टी और वीवो 5 काम करता है, अगर आपके फोन में काम नहीं करता है तो आप लोग ये नंबर डायल करके
वोल्टी और वी ओ आई फाई को यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। देख सकते हैं वाला नंबर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी वैसे जब मैं इसकी फुल रिव्यू करने वाला हूँ तो आप लोगों को सारी जानकारी वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से कमेंट में आप लोग बता दिएगा, कोई भी डाउट या कोई भी सवाल या क्वेरी आप लोगों का रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि फुल रिव्यू इसकी जल्दी आने वाली है। बाकी उसका सेटिंग वगैरह की बात करें, सेटिंग में चेंजेस वगैरह की, तो सब कुछ देखने को मिल जाता है। फुल रिव्यू में आप लोग सब कुछ कवर करूँगा। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो डिस्प्ले में आने के बाद हमें एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, डिस्प्ले रेजोल्यूशन में डब्ल्यू क्यू एच डी प्लस तक की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आई डोंट नो दोस्तों हाउ हमारा फ़ोन यहाँ पर मैं ये सपोर्ट कैसे देखने को मिला, पर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पर आप लोग फुल एच डी प्लस में अपने फ़ोन को यूज़ करिए, आपकी बैटरी उसमें ज़्यादा मतलब कम कंज्यूम होगी। और यहाँ पर ए आई इंजन की भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप लोग डिस्प्ले को ज़्यादा बैठ चाहते हैं, वीडियो या मीडिया को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोग रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बैटरी आपको ज़्यादा फिर देखने को नहीं मिलेगा। और एडिशनल सेटिंग में आने के बाद उसको देख सकते हैं आप लोगों को जो स्पेशल फीचर्स है वो एडिशनल सेटिंग में चला गया। पहले आप लोगों को बाहर में देखने को मिलता था स्पेशल फीचर्स, पर अब वो एडिशनल सेटिंग अंदर चला गया। और यहाँ पर भी आप लोगों को सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें फ्लोटिंग विंडो में जो साइड बार की सपोर्ट मिलता है दोस्तों, तो साइड बार में वीवो 40 में हम लोग दो एप्लीकेशन को मल्टी विंडो में ओपन कर सकते हैं जो हमें मिलता है। पर दोस्तों यहाँ बात करते हैं इस वाले पोर्ट रूम में, तो हम लोग एट अ टाइम एक ही एप्लीकेशन को यहाँ पर मल्टी विंडो में ओपन कर पाएंगे। देख सकते हैं मैं यहाँ पर जितनी बार भी ओपन करूँगा, पहले एप्लीकेशन यहाँ पर क्लोज होगा, दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और फिर मैं दूसरे एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो देख सकते हैं एट अ टाइम दो एप्लीकेशन मतलब फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो गया है। और इसे आप लोग यहाँ पर चैट पर इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ना, कुछ कुछ मेरे फोन के जो फीचर्स है हमारे इस फोन में देखने को नहीं मिलता है, बाकी कुछ फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं फीचर्स वगैरह, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। एंड दोस्तों रिव्यू वाली वीडियो को आप लोग ज़रूर से वेट करिएगा, क्योंकि रिव्यू में आप लोगों को सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। और कमेंट भी मुझे कीजिएगा आप लोग, ताकि मैं आपके कमेंट्स को पिक करके जो रिव्यू वीडियो लेके आऊँगा वहाँ पर मैं आप लोगों को सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। तो मिलते फीचर्स और बग्स बताने के बाद दोस्तों अब बारी आती है इस रूम को कैसे इंस्टॉल करना है। तो डाउनलोड लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, या मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। सिंपली आप लोग को फाइल को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना, अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में सेव कर लेना, या फिर अगर आप लोग यूएसबी स्टोरेज यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब सिंपली दोस्तों आप लोग कस्टम रिकवरी में बुक कर जाना, तो मैं यहाँ पर कस्टम रिकवरी ऑयल फॉक्सी कस्टम रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ, उसी आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कस्टम रिकवरी में बुक करने वाले दोस्तों अगर आपके फ़ोन में पासवर्ड मांग रहा है, अगर आपका इंटरनल जो है यहाँ पर इनक्रिप्टेड है, तो आपने अपने फ़ोन में जो भी लॉकेज का जो भी पासवर्ड है उसे देखे हुए आप लोग अपने फ़ोन यहाँ पर डिक्रिप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग इस रूम को फ्लैश कर सकते हैं। तो फ्लैश करने से पहले आप लोग को जो भी पार्टीशन मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, वाइप डेल्वी कैश मेटाडाटा दोस्तों, ये सभी पार्टीशन को सिलेक्ट करके जो जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करके आप लोग को वाइप कर देना। उसके बाद से इस रूम को आप लोग अपने फ़ोन में फ्लैश कर देना है। और फ्लैश करने दोस्तों एक बार आप लोग अपने फ़ोन को फॉर्मेट डाटा करना होगा, और फॉर्मेट डाटा करते आपके जो भी इंटरनल स्टोरेज है वो सब कुछ यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को अप्लाई करने से पहले आप लोग अपने सभी इंपॉर्टेंट डाटा का बैकअप बना लिए, ताकि आपकी बैकअप आपके पास रहे, आप बाद में उसे रिस्टोर कर पाएँ। और फॉर्मेट डाटा करने के बाद उससे आप लोगों को सिंपली यहाँ पर रिबूट सिस्टम कर देना है, और उसके बाद आपको अपनी जो सेटअप वगैरह है वो कंप्लीट करके आप लोग अपने फ़ोन में इस रोम को ईजिली यूज़ कर पाएंगे। सेटअप कम्प्लीट कर देना, और लास्ट में उससे आप लोगों को एक सेटअप पेज में जो पर्सनलाइज एड वाला पेज आता है वहाँ पर आप लोगों को अपने जरूरत के हिसाब से, या फिर जो जो मैंने यहाँ पर ऑप्शन चूज़ किया उसे सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ सेटअप कंप्लीट कर दीजिए, और इससे आप अपने फ़ोन में वीवो 14 को अपने रेडमी के 20 प्रो में यूज़ कर पाएंगे। और इससे एक यूनिवर्सल मेथड है, इस मेथड से आप लोग अपने फ़ोन में किसी भी तरह के रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं।